हेलो दोस्तों, आज हमारे गैरेज में आई हुई है पल्सर 220F, जिसका करंट नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था और हमने देखा तो फिर बैटरी डाउन हो चुकी थी। इसमें किक है नहीं, बैटरी चार्ज करके लगाया, करंट तो आ रहा है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। सेल्फ मारने पर सेल्फ फंस जाता है, हमने सेल्फ को खोल के भी देखा है। फिर हम लोग इसका स्पार्क प्लग खोले तो स्पार्क प्लग का नोब दोनों टूटा हुआ था, तो इसका टाइमिंग चैन आउट हो गया, वाल्व टूट चुका है या क्या है, इसको खोलते हैं। बिगर हेड खोले हम नहीं बता सकते हैं, देखते हैं इसको। पहले हम इसको साइलेंसर को हटा रहे हैं। तो हमने इसका टैंक को ओपन कर लिया है, अब स्टड को खोल रहे हैं हम इसका। ये चारों स्टड को खोलेंगे, ये स्टड है इसका, इधर का हमने खोला है। हेड कवर को हटा रहे हैं, माल उल गिरल है, माल तक गिरल से जरे छाई थोड़ी काम को आ सकते थे। ये देख लीजिए इसका बल्ब जो बिल्कुल टूट के पिस्टन पे आ चुकी है, हमने निकाला है इसको। ये जो इसका पिस्टन का हाल हो चुका है, ये है इसका हेड, ये छोटा वाला बल्ब जो है सो टूट चुका है और प्लग इसीलिए बार बार टूट रहा था कि बल्ब का जो टुकड़ा था उस पर जाकर लग रहा था बार बार। और इस साला की हाल हुई ये ना देखो तब बदले ना होते पूरा ही। ये इसका सिलेंडर ब्लॉक, ये देखिए भैया इसका पिस्टन है, पिस्टन का हाल देख लो क्या हो गया है, पिस्टन फूट चुका है बिल्कुल बल्ब टूट के। किसी मैकेनिक भाई ने इसको बहुत ज़्यादा प्लग लगा के, नया नया प्लग लगा के, हमने कस्टमर से पूछा तो बताया कि प्लग लगा के। और तो बार बार सेल्फ मारने के कारण ये हाल पिस्टन का हो गया, भैया का पिस्टन चेंज करना पड़ेगा।